हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। होपफुली सभी लोग बढ़िया हो गए। तो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग एक पीवीपी सर्वर में ज्वाइन हुए हैं, तो पीवीएक्सी है शायद ये सर्वर। हाँ, पीवीएक्सी सर्वर है ये। तो मैंने सोचा क्यों ना पीवीएक्सी सर्वर में एक न्यू जर्नी स्टार्ट की जाए हमारी मल्टीप्लेयर की। तो अभी तो हम पीवीई जोन में स्पॉन लिए, तो पता नहीं मेरे क्या हो गया, मेरे लाइक जबान को क्या हो गया पता नहीं। तो हम लोग अभी पीवीई जोन में स्पॉन लिए। नहीं तो भाई पीवीपी जोन में स्पॉन लेता तो भाई शुरुआत में ही मार पड़ जाती। तो अभी यहाँ पे मैं थोड़े से बेसिक टूल यहाँ पे क्राफ्ट कर रहा हूँ, थोड़े से रिसोर्सेस वगैरह कलेक्ट कर रहा हूँ। तो देखते गए हम ये सीरीज़ को कहाँ तक लेके जाते हैं। तो ये सर्वर जस्ट अभी वाइप्ड आउट सर्वर है, लेकिन इसमें ट्रैफिक काफ़ी बढ़िया है, मतलब प्लेयर्स काफ़ी अच्छे हैं इस पर, लेकिन वाइप्ड आउट है अभी। काफ़ी अनऑफिशियल है गाइस, क्योंकि ऑफिशियल सारे सर्वर गाइस फुल रहते हैं। तो मैं ऑफिशियली सोच रहा था पहले करने का, लेकिन सारे सर्वर फुल ही रहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना अनऑफिशियल पे करते हैं। लेकिन एडमिन से कोई भी हेल्प नहीं ली जाएगी, तो पूरा लेजिट खेलने वाले हम लोग। तो अभी यहाँ पे थोड़े से रिसोर्सेज, यहाँ पे मैंने पिकैक्स बना लिए, तो अब यहाँ पे हैचेट बना लेते हैं, और एक यहाँ पे मैं बेसबॉल बैट भी बना लेता हूँ, और एक यहाँ पे बेसबॉल बैट। क्यों? बेसबॉल बैट से टॉर्पर काफ़ी बढ़िया चढ़ता है। तो यहाँ पे वुड कलेक्ट कर लेता हूँ थोड़ा। गाइस, अगर आपको मेरे बैकग्राउंड में से थोड़ा आवाज़ आ रही होगी तो सॉरी फॉर डैट, क्योंकि हमारे यहाँ पे थोड़ा फंक्शन चालू है। तो गाइस, मैं यहाँ पे थोड़े से रिसोर्सेज कलेक्ट कर लेता हूँ, और क्योंकि रिसोर्सेज कलेक्ट करना काफ़ी बोरिंग लगेगा आप लोगों को, तो वो रिसोर्सेज कलेक्ट कर लेता हूँ, फिर आप सभी से मिलता हूँ। 2000 years later। तो गाइस, यहाँ पे काफ़ी सारे मैंने रिसोर्सेज कलेक्ट कर लिए, कुछ थोड़ा सा वुड बचा है बस कलेक्ट करना। हम लोग यहाँ फिर राफ्ट बेस से शुरुआत करने वाले, मैंने सोचा है राफ्ट बेस से क्यों ना शुरुआत की जाए, क्योंकि अगर बेस सेटअप करने गए तो भाई शुरुआत में ही मार मार के कर देंगे भाई हमें लाल। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले राफ्ट बेस में रिसोर्सेज का स्टैक किया जाए और फिर हमारा एक बढ़िया सा बेस बनाया जाए। तो यहाँ पे राफ्ट को क्राफ्ट कर लिया है मैंने, और यहाँ पे बेड भी क्राफ्ट कर लिया है। तो हमारी राफ्ट यहाँ पे प्लेस करते हैं पहले। तो पहले एक ट्रिक भी बता देता हूँ गाइस, तो अगर पीवीपी खेल रहे हो तो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। तो यहाँ पर हम लोग जाते हैं हमारी इन्वेंटरी में, देख सकते हो ये सेल प्लन जो है, इसके लिए काफ़ी रिसोर्सेस लगते हैं, एम्बर भी लगता है, लेकिन हम लोग इसे फ्री में इंस्टॉल करने वाले हैं, देख लो। और ये यहाँ पे लग चुका है, तो काफ़ी मतलब ये ग्लिच है या क्या है पता नहीं, तो ये फ्री में मिल रहा है अभी। तो अगर आप में से कोई भी खेल रहा है पीवीपी तो ये ज़रूर इस्तेमाल करो, इससे आपके क्राफ्ट की स्पीड लाइक बुलेट ट्रेन जैसी हो जाती है। तो देख सकते हो गाइस, स्पीड काफ़ी बढ़िया है हमारी बूट की। तो अभी यहाँ पे गाइस हम लोग फाउंडेशन लगा लेते हैं पहले तो बूट पे। तो उसके लिए फाउंडेशन लोअर करने के लिए हम लोग पहले तो फेंस फाउंडेशन अनलॉक कर लेते हैं, कहाँ गई ये, और वुडन पिलर भी अनलॉक कर लेते हैं, नो इनक्रम का है तो कर लेते हैं पहले ये। तो एक फेंस फाउंडेशन क्राफ्ट कर लेते हैं और एक वुडन पिलर क्राफ्ट कर लेते हैं। फाउंडेशन कितनी भाई, एक ही बन रही है, तो वुड कलेक्ट करना पड़ेगा मुझे पहले। तो इतनी पहले कर लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि लोअर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे फाउंडेशन लगाना है, फेंस फाउंडेशन, तो बिल्कुल बीच में लगा लेते हैं यहाँ पे राफ्ट के। पता है भाई वो तो यहाँ पे पिलर लगा लेते हैं, और ये पिलर लगाने के बाद अब फाउंडेशन का आपको स्नैप पॉइंट मिल जाएगा, देख सकते हो गाइस काफ़ी लोअर हो जाता है इससे। लेकिन इससे एक दिक्कत क्या होती है, आप लोग अगर इसे पूरा नीचे तक फाउंडेशन लगा देते हैं तो आप बोट को नीचे से एक्सेस नहीं कर पाते वाटर के अंडर वाटर से, तो ये एक थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है इस चीज़ में। तो अगर करना होगा तो अभी जहाँ पर मैंने प्लेस किया है आप वहाँ पर बस प्लेस मत कीजिए, और सब तरफ कर सकते हैं। हाँ, पहले तो इसे डिस्ट्रॉय कर लेते हैं अभी, क्योंकि इसका काम अभी हो चुका है।
तो अभी हमें एडवर्टाइजमेंट भी आ चुके हैं तो वो देख लेते हैं। असेंडेंट का गेली मिला है, कुछ काम का तो नहीं है। अगर टैप जरा वगैरह टैप करने जाऊंगा तो इस्तेमाल आएगा। तो अभी एक बॉक्स भी बना लेते हैं स्टोरेज का। अभी एक बार के लिए तो छोटा बना दो क्योंकि वुड नहीं है मेरे पास। तो अभी इसे यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ, कहाँ पे, यहाँ पर कर देता हूँ, बोट के एकदम बीचों बीच कर देता हूँ। और अपना ट्रांसफ़र कर देते हैं सब कुछ इसमें। गाइस मैंने यहाँ पे बायोटॉक्सिन भी कलेक्ट कर लिया है थोड़ा, ताकि हम लोग टॉक्सिक डायरो बनाकर अपना डायनो टेम कर सकते हैं, क्योंकि फास्टेस्ट वे होगा पीवीपी में अगर आपको करना है तो। यहाँ पे गाइस मैं आपको थोड़ी देर बाद रिसोर्सेस कलेक्ट करके फिर वापस मिलता हूँ। 2 hours later. गाइज मैं यहाँ पे रिसोर्सेस कलेक्ट कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग हंट डेलोफो का परसूट कंप्लीट कर ले। अभी मैं पीवीपी जोन में हूँ तो मुझे थोड़ा सा डर तो लग रहा है, सामने एक ग्रीन हाउस भी डिस्ट्रॉयड है। तो यहाँ पे मेरे को दो तीन डेलो दिख चुके हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना हंट किया जाए। तो यहाँ पे एक को तो पहले मारते हैं। लगा ही नहीं भाई, ये क्या था, ये भी लग नहीं रहा है। उसको डैमेज क्यों नहीं पड़ रहा है, कुछ ग्लिच होके रखा है शायद। तो इसे भी मारते हैं, पहले तो इसे ख़त्म करते हैं। ये एक और, अभी तो भूख का डैमेज भाई कुछ है नहीं, 50 का डैमेज है। तो पहले तो इसे मार लेते हैं। अभी जब स्टार्टिंग में आपके पास आर्मर नहीं होता तो आपको कोई भी डायनो मार सकते। ओ भाई भाई भाई, इसने थूक दिया मेरे पे भाई। कोई नहीं, हमने इसको मार तो दिया है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी कि मारने में दिक्कत आएगी। तो अभी तो इसे पहले तो वो कर लेते हैं, तीन मारने हैं। वो एक तो हो चुका है, अब मैं यारू थोड़े से और बना लेता हूँ, मेरे पास सिर्फ पाँच ही बचे हैं। तो थोड़े से फाइबर की ज़रूरत है तो फाइबर कलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। पाँच दस काफ़ी बढ़िया फाइबर कलेक्ट हो रहे, क्योंकि अपना बूस्ट है। तो यहाँ पर कितने बन रहे हैं, 25 बन रहे हैं। 25 की तो ज़रूरत नहीं, तो यहाँ पे 14 बना लेते हैं। अब देख सकते हो सामने एक और दिख चुका है अभी, तो इसे भी मार लेते हैं। हेल्थ ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हाँ ये हो जाएगा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो इसे भी ख़त्म कर लेते हैं। तो एक और हिट लेगा शायद, नहीं, थुकने नहीं, थुक इस बार तो बच गए। पहले ये भी ख़त्म, चलो। तो अभी दो हो चुके हैं, एक और हमें ढूंढना है। तो सिग्नल तो यही कहीं दे रहा है वो, तो देखते हैं, ढूंढते हैं उससे पहले। और कहाँ पर है, पीछे है थोड़ा, वहाँ पर शायद यहीं पर है, देखते हैं। वो तो ओवी रैप्टर है जो सामने है, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं कहाँ पर मिलेगा। लैग लैग भाई, लैग ज़्यादा ही हो रहा है कुछ तो। वो रहा शायद, हाँ, वो रहा मेरे को दिखा था अभी। तो इसे भी मार लेते हैं। ओ भाई साहब, 500 600 है भाई इसका तो। और मेरे वो कड़े में जो 50 भाई बहुत। अरे भाई लैग के चक्कर में भाई मैं उधर ही अटक कर गया, मेरे को दिख नहीं रहा कुछ तो। कह मैंने अभी आप स्पाइक से मार लेते हैं इसे, तो 300 हेल्थ बचा है अभी, तो स्पाइक से मार तो भाई। ये वो से मार नहीं पाऊँगा भाई साहब। एक और बार, एक और बार, तो पहले तो इसे मार ले। तो सिर्फ 100 हेल्थ कुछ बचा है अभी इसका। और यहाँ पे मेरा वो भी टूट गया, तो मुझे भाई तीसरी बार है ये। नहीं खेलना भाई, मैं आर्क डिलीट कर दूंगा भाई। ये डायलॉग हाफ हेल्थ कर दी भाई मेरी, लेकिन बहुत। चलो हंड तो हो चुका है, तो वो देखते हैं कितना डैमेज का मिलता है हमें। तो मीडियम पे सर्वर देखा जाए तो अभी यहाँ पे जोन भी चेंज हो चुका है हमारे सामने अभी अभी। तो देखते हैं कितना डैमेज का मिला है। 160 डैमेज मीडियम डिफिकल्टी पे, ठीक है, मतलब ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं है। तो इसमें थोड़े से रिसोर्सेस कलेक्ट करता हूँ, तो मिलते। तो वह इसमें रिसोर्सेस कलेक्ट करके यहाँ पे कैसे तो भी आ चुका हूँ यहाँ पे स्नो बाय हम तक। भाई मेरा बंदा यहाँ मरने वाला था, तो कोई नहीं, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि मैं पॉलीमर कैसे आपको करना है। हाफ
हार्ड पॉलीमर की तरफ आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, आपको ऑर्गेनिक पॉलीमर ही क्लिक करना है। देख सकते हैं यहाँ पे जो पेंगुइन्स है, तो उन्हें मुझे ऐसा लगा भी किसी ने हिट किए मुझे, तो कोई नहीं पहले ही इसे मार लेते हैं। और अभी वो भी हमें मिल चुका है, तो इसका ज़्यादा हेल्थ नहीं, इसे मार लेते हैं। और हमें इसे बेसबॉल बैट से इसको हार्वेस्ट करना है, अगर आप पीवीपी जोन में नहीं हैं तो, क्योंकि बेसबॉल बैट से थोड़ा टाइम लेता है, तो इसे पहले हार्वेस्ट कर लेते हैं। देख सकते हो और ऑर्गेनिक पॉलीमर हमें मिल रहा है, तो हम इसी से एरोज बनाएंगे बायोटॉक्सिन और इसकी मदद से। तो देख सकते हो काफ़ी बढ़िया मिल चुका है हमें वो। अभी चलते हैं, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ बायोटॉक्सिन में मेरे पास काफ़ी, जो मैंने कलेक्ट करके रखा है 200 कलेक्ट करके रखा है यहाँ पर। तो गाइस होपफुली आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही हो, और अच्छी लग रही है तो गाइस लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। देख सकते हो गाइस यहाँ पे टॉक्सिकन टायरों हम बना रहे हैं, तो इसी से हम लोग टीम करेंगे, क्योंकि पीवीपी में आपको जल्द से जल्द नॉक करने की ज़रूरत होती है। अभी तो ये पीवी एक्सेस रोवर है, तो ज़्यादा इतना टाइम मिल जाएगा। तो गाइस वीडियो को आज की यहीं पर एंड करते हैं, काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो मिलता हूँ गाइस ऐसे ही नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय।